नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञ आदित्य स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम जाने वाला है और जैसे ही आता है वैसे ही जाता है। जैसे ही कहते हैं कि हमारे यहाँ पर आती हुई ठंड लग जाती है और जाती हुई ठंड लगती है, बीच का मौसम में व्यक्ति कम बीमार होते हैं, ये हमारे यहाँ पर कहावत चलती है। आपने देखा भी होगा, जब सर्दियाँ स्टार्टिंग हो जाती हैं तो बीमार हो जाते हैं लोग, और जब सर्दियाँ जाती हैं तब भी बीमार हो जाते हैं लोग। अक्सर घरों में बीमारी अपनी जगह बना के रखती ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को फिर भी डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर की सलाह से ही हम दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेडिकल स्टोर पर जाकर स्वयं ही दवाई लेकर खा लेते हैं, लेकिन उनको भी कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उसके लिए उनको जानकारी होनी अति आवश्यक है। क्या जानकारी होनी चाहिए ये आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा दवाई के पत्ते के पीछे रेड कलर की लाइन होती है, ग्रीन कलर की होती है, या कुछ भी नहीं होता, इस प्रकार की लाइनें होती है, क्यों होती हैं, या उसके पीछे RX लिखा होता है, क्यों लिखा होता है, उसका क्या रीज़न है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो देखिएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके पीछे रेड कलर की लाइन है, ये लाइन क्यों बनी होती है, ये लाइन इसलिए बनी होती है क्योंकि ये दवाई कुछ ऐसी खतरनाक होती है जो किसी के साथ मैच नहीं होती, किसी के साथ मैच हो जाती है। इसलिए इन दवाइयों को हमें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे बोल देते हैं ना कि किसी दवाई को खाने से एलर्जी हो गई, पीतू चल गया या कोई अन्य प्रॉब्लम आ गई, इसी प्रकार ये रेड कलर की जो लाइन होती है इस पत्ते के पीछे, वो दवाइयाँ एंटीबायोटिक होती हैं, तो उनसे प्रॉब्लम आने की संभावना होती है, इसलिए उनको डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। इसी प्रकार से कुछ और भी चिन्ह होते हैं पीछे दवाई के पत्ते के पीछे, जैसा कि ये देखिए, इस पर रेड कलर की लाइन नहीं है और इस पर RX लिखा हुआ है, RX लिखा हुआ है। इसको आप सोचेंगे कि मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट लेकर खा लें, लेकिन नहीं, RX का मतलब होता है कि इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिया जाए, यानी कि आप लेंगे तो आप ही जाकर मेडिकल से, परंतु उससे पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है जिसके पीछे RX लिखा होता है। लेकिन उससे आगे चलिए, कुछ दवाइयों के पीछे NRX लिखा होता है, NRX वो दवाइयाँ थोड़ी नार्कोटिक में आती हैं, यानी कि नशीली दवाइयाँ, उन दवाइयों को बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह दवाइयाँ जैसे कि हाई BP हो जाता है जिसके कारण नींद कम आती है, उन लोगों को, बड़े लोग होते हैं यानी कि 40 साल के बाद के लोग, उन लोगों को वो डॉक्टर अपने इच्छा से जो भी उनको सही लगता है उसी प्रकार से वो देते हैं, या उनको जो ट्रीटमेंट में जो बैठता है वही सही तरीके से देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है, उसके अनुसार ही डॉक्टर उनको वो दवाइयाँ नींद के लिए प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आता है एक दवाई के पीछे वो लिखा हुआ आता RX, वो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको डॉक्टर, क्या आप कोई किसी भी मेडिकल से नहीं ले सकते, उनको क्या करना चाहिए, उनको डॉक्टर पर्ची पर लिखकर भी आपको नहीं दे सकता, यदि देता है तो गलत है, वो कानूनी अपराध है। उन दवाइयों को डॉक्टर अपने यहीं से देगा आपको, यदि आपको उनकी ज़रूरत है तो, डॉक्टर को लगता है कि इनको ये देनी चाहिए तो डॉक्टर अपने पास से ही देगा, वो पर्चे पर लिखकर नहीं देगा कि आप जाकर मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। तो इसी प्रकार से ये कुछ बातें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोग पैसे के लालच में कुछ दवाई कहीं रखवा देते हैं, कुछ बाहर मेडिकल पर रखवा देते हैं कमीशन के लिए, और उनको पहले तो आप डॉक्टर की सलाह से ले लेते हैं, उसके बाद फिर अपने आप लेने लग जाते हैं, लेकिन उन दवाइयों का कुछ रूटीन होता है, कुछ टाइम के लिए ली जाती हैं, कुछ टाइम बाद वो बंद कर दी जाती हैं, उसके जिम्मेदार डॉक्टर होते हैं। अगर आप खुद ले रहे हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर उसमें जिम्मेदार नहीं होता, तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई लें। और कुछ दवाइयों पर ध्यान से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उसी के अनुसार ये चीज़ लेनी है आपको, उससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और आप अन्य किसी बीमारी के शिकार नहीं होंगे। चलिए, इसी के साथ फिर मिलता हूँ मैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें।